नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। नोएडा स्टेडियम में MLC चुनाव की वोटिंग में नोएडा के वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपनी बेटी डॉक्टर पल्लवी के साथ वोट डालकर दिनेश कुमार गोयल को समर्थन दिया। विधान परिषद में आज शिक्षक और स्नातक श्रेणी के जो चुनाव है उसमें मैं स्वयं और मेरी बेटी डॉक्टर पल्लवी स्नातक हमारे प्रत्याशी दिनेश कुमार गोयल जी के समर्थन में हम यहाँ आए हैं। मोदी जी और योगी जी की नीतियों को आगे ले चलने का संकल्प जिन्होंने लिया है वे देश और प्रदेश को विकास के मार्ग पर नई ऊंचाइयों तक ले जाना और शिखर तक ले जाने का जो संकल्प है आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का, उस संकल्प के प्रति समर्पण भाव से हम सब लोग वोट डाल रहे हैं। जो आपकी पार्टी को कितने लोग टक्कर दे रहे हैं, निर्दलीय लोग हैं? मैं नहीं समझता कि प्रत्याशियों के खिलाफ कोई भी पार्टी या कोई भी निर्दलीय किसी भी स्थिति में खड़ा हो पाएंगे। हमारी दोनों ही चुनाव के अंदर स्पष्ट जीत निश्चित। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस समय आगे चलती है। देखिए, तो अब रिजल्ट जल्दी आ जाएगा और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि लोगों का विश्वास है पार्टी के प्रति। इस बार पार्टी के स्तर पर चुनाव हो रहा है, सिर्फ निर्दलीय स्तर पर नहीं है, और मैं समझता हूँ पार्टी की नीतियों को लोग दे रहे हैं, व्यक्तिगत चीजों को छोड़कर पार्टी की नीतियों पर। और पार्टी में मैं समझता हूँ मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर लोगों को विश्वास। सर, आपको क्या लगता है कि जो आपका जो प्रत्याशी है कितने मतों से उनकी जीत होगी? देखिए, मतों का प्रतिशत कहना, लेकिन एक तरफा चुनाव है, हमारी पार्टी का प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।